कि जो ब्लॉग हो रहा है वो शानदार हो रहा है। ये देखो न्यूट्रले आछे, ठीक है, किंतु गाड़ी मूव करछे ना, देखाच्छे एक बार तोलो तो मा। ये जो न्यूट्रले रहेछे गाड़ी, किंतु सेम इशू है गाड़ी। हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग टा हमरा स्टार्ट करछी हिंदी ते। तो आज की जो ब्लॉग हो रहा है वो शानदार हो रहा है और स्टार्ट कर रहे हैं पे हिंदी पे, क्योंकि ये जो ब्लॉग हो रहा है ना ये 1 लाख व्यू कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग सोचे क्यों ना जो कर रहे हैं हम लोग कि मतलब जो चल रहा था ट्रैवलिंग ब्लॉग से लेकर जो डेली लाइफ का जो सीन हो रहा था हम लोग बता रहे थे, तो हम लोग सोचे कि आज ना क्यों एक नए वाले मोटो ब्लॉग शूट ना करें। तो मोटो ब्लॉगिंग तो नहीं हो रहा है, वो भी आएगा हमारे चैनल पे ही। तो क्या क्या न्यू जो इक्विपमेंट्स हम लोग खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो वो तो हम लोग दिखाएंगे। तो आज की जो ब्लॉग आ रहा है वो मतलब है कि TVS की तरफ से, ठीक है। मेरा एक बाइक है अपाचे जो है 204B, तो उस पर एक इशू था, ठीक है। मतलब ये हिंदी पे करने का एक ही रीज़न है कि ये इशू यूनिवर्सल इशू है, ठीक है। ये इशू बहुत सारे लोगों के हो सकता है, और जो मेरा जो बंगाली लोग है ना उन लोगों को तो बंगाली से लेकर हिंदी भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये ब्लॉग में बंगाली में करूँ ना तो हिंदी जो जिनको समझने आता है उन लोगों मिस हो जा सकता है। तो अच्छा इसे सुनना ब्लॉग और एंड तक देखना क्या क्या प्रॉब्लम आया था मेरा बाइक पे, कैसे मैंने रिजॉल्व किया है ये इशू, और कहाँ से मैंने कॉन्टैक्ट किया, किस किस लोगों के साथ मैंने कॉन्टैक्ट किया, हर डिटेल्स में इसी ब्लॉग में कंटिन्यू रखूँगा। तो इशू था कि मेरा जो डिस्प्ले है बाइक का वो मैं दिखा रहा हूँ, मेरा रिकॉर्डेड है, तो डिस्प्ले जो है उस पर दिखा रहा था कि न्यूट्रल है, ठीक है, और बाइक फास्ट गियर या सेकेंड गियर पे ही था, ठीक है। तो ये इशू बहुत दिनों से चल रहा था, मतलब मेरा बाइक का जो मतलब 6 महीने के बाद से ही ये इशू मेरे को आ रहा था। तो मैंने 3 से 4 बार अपाचे को जब TVS के सर्विस सेंटर पे ले गए थे तो उन लोगों को बताए थे, लेकिन उन्होंने कैसे सर्विस किया पता नहीं है। ये जो हमारे यहाँ पे है टीटागढ़ शॉर्ट TVS सेंटर है, मतलब उन लोगों का जो मैकेनिक्स है और उन लोगों का जो मतलब बिहेवियर है दोनों ही, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी दोनों ही बहुत गलत है, ठीक है। तो मैंने बहुत बार उन लोगों को बता चुका हूँ ये इशू, लेकिन रिजॉल्व नहीं हुआ था। फोर्थ सर्विस के बाद मतलब जो 1 साल के आसपास था जब मेरा बाइक का ईयर, तो उसी टाइम पे भी क्या हुआ था, उन्होंने बताया था कि ये जो गियर सेंसर है वो चेंज कर दिया था, लेकिन फिर से ये इशू आ गया। और एक इशू था कि जो फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर लेने के टाइम पे शिफ्टिंग पे बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लम। तो मैंने लास्ट टाइम में बताया था उन लोगों को, लेकिन उन्होंने क्या सर्विस किया पता नहीं उन लोग, मतलब उसी के बाद जो बिहेवियर मेरे को मिला है वो सर्विस सेंटर को, जो सर्विस मैनेजर था फ्लोर मैनेजर उनसे, मतलब वो मेरे को थ्रेटनिंग कर रहे थे ऐसे कि मैंने उनके नाम पे कंप्लेन करा था कि जो मैकेनिक है वो वर्स्ट मैकेनिक है। तो इसीलिए वो लोग क्या किया, मेरे को थ्रेट किया कॉल करके, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं रिकॉर्डिंग भी डाल रहा हूँ। এবার যে কটাই হোক না কেন, যে কটা হয়েছে বলা হয়েছিল যে সার্ভিসিং টা যাতে ঠিকঠাক হয়, ঠিক আছে, সেটা যদি না হয় তো স্বাভাবিক আপনি তো কথাই শুনছেন না, আপনি কথা শুনবেন না নাকি, তুমি আপনি আপনার ডাইরেক্ট কথা বলে নেব, আজকে আসবেন তো, আজকে আসা হবে না, ওটাই কথা ছিল না, আরে ওটাই তো বলছি যখন জানেন অটো স্টেশন আছে, গাড়ি কাজ হয়ে গেছে, প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে, আমার কথায় বক্তব্য গাড়ি ড্রাইভিং করছিল, গাড়ি ড্রাইভিং করছিল, আপনার কথা শুনবে কি, তুলবো না তো, আমরাও তো বিজি থাকি, মানে আরে ও তো গাড়ি ড্রাইভিং করছে, তোমরা ফোন তুলবে না তো, তোমরা ড্রাইভিং করছো,
সেটাও লিখেছে টিভিএস মোটরস প্লিজ ইসকো ধ্যান সে দেখনা কি আপ লোগো কা জো মতলব কাস্টমার্স হ্যা না উন লোগো কো থ্রেট মিল রহা হ্যা জব ভি ও কমপ্লেন কর রহে না थ्रेट मिल रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोगों के पास एक मतलब क्या ही बताओ एक रिक्वेस्ट है, तो ये आप लोग देखिए। और नेक्स्ट जो है मेरा जो इशू था वो इशू मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। कैसे इशू था, मतलब ये इशू बहुत दिन से चल रहा था और क्या ही बोलो यार, मतलब बहुत दिनों से मैंने उन लोगों को बताया भी है लेकिन कोई भी रिजॉल्व करने का मन ही नहीं था, ऐसे था लोगों का। तो जो भी है, तो अभी तो वो लोग आए थे मेरे घर पे ही कॉम्प्लेन डालने के बाद, तो देखते हैं बाइक कैसे चलते हैं और इसके बाद से। ठीक है, और बाकी वीडियो देखिए कैसे वो लोग रिजॉल्व करने के लिए आया था, कैसे वो रिजॉल्व किए और क्या क्या किए, ये वीडियो पे देखना। Joe.